Yes, good morning students. Start your English period. Okay. बेटा हम first chapter read कर चुके हैं, I can swim, और इसके dictation word भी हो चुके हैं, ठीक है? अगर by chance आपने नहीं किए तो कोई बात नहीं, आपके पास हम send कर देंगे, ठीक है? अब मैं आपको करवाती हूँ इसके word meaning, इस chapter के word meaning. Okay बेटा, आपने ये lesson read किया होगा, अच्छा lesson है ना, ये rabbit और swan का है, ठीक है? दोनों की story है ये, आप सभी ने रीड कर रखा है, ठीक है? अब हम इसके वर्ड मीनिंग पे चलते हैं. ये देखो बेटा, ये आपका आज का क्लास हो रखा है. ओके, होमवर्क में आपको लर्न करना है, क्लास वर्क में आपको रीड एंड राइट है, ठीक है? डेट, सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, ठीक है? इसके बाद नेम और रोल नंबर, नेम रोल नंबर जरूर लिखना है. ओके बेटा, और आप सुंदर राइटिंग में लेसन वन का नाम लिखोगे, आई कैन स्विम, ठीक है? और इसके बाद में वर्ड मीनिंग, सबसे पहला वर्ड मीनिंग बेटा आई का मीनिंग होता है मैं. अपने लिए, खुद के लिए हम कोई बात कहते हैं तो आई का यूज करते हैं, आई का मीनिंग होता है मैं, ठीक है? यू का मीनिंग होता है तुम, ठीक है? यू का मीनिंग तुम. हु का मीनिंग होता है कौन, WHO, हु माने कौन, माई माने मेरा. नंबर 5 स्वान, हंस, स्वान माने हंस होता है, ठीक है? 6 रैबिट, खरगोश, ठीक है? इसके बाद है स्विम, तैरना, ठीक है? स्विम का मीनिंग क्या होता है, रैबिट का खरगोश, ठीक है? स्विम का मीनिंग है तैरना, ठीक है? और रन का मीनिंग है भागना, ठीक है? और फ्लाई का मीनिंग है उड़ना, ठीक है? ये आपके 1 to 9 वर्ड मीनिंग है. ओके, आई, यू, हू, माई, स्वान, रैबिट, स्विम, रन और फ्लाई, ठीक है बेटा? ये रीड एंड राइट है, रीड, राइट एंड लर्न, राइट नीट एंड क्लीन. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस.